नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे, ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, MLAs की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ED CBI का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टियर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस में। लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है? है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुटिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आजादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहे उसके लिए डाल सकते हैं, और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज हो। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर ये बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी CCTV फुटेज देख सकते हो क्या किया। इन्होंने 8 कांग्रेस और AAP के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इसे CCTV कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि BJP इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ये सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये, अगर यहां एक CCTV कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती?
ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। इससे पहले इस खबर को देखो, 2021 की खबर। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को रिपोल ऑर्डर करना पड़ा इस जगह का। लेकिन इतनी पहले की बात करने की जरूरत ही क्या है, इसी महीने की खबर को देख लो। फरवरी 2024, तीन अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो देश भर में कंडक्ट करवाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही अक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड है। ये एक्यूजिशन बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था। सही सुना आपने, मई 2014 की इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लगाया था। हालांकि वो इसके बाद हुई इलेक्शंस को जीत गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करी गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था, ये भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई है। एनडीटीवी ने उस वक्त ये भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंटिंग राय अपनाई इन 7 में से 5 केसेस में। यानी एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहां क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमिटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। ऐसा करने से ये इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो सही मायनों में इंडिपेंडेंट होगा, एक तरफ बायस नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमिटी में। तो 3 मेंबर की कमिटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहां पर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया ये कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर सरकार एक कानून बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक MLA इलेक्शन और एक MP इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। MP इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीज पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1,264 करोड़ रुपीज। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो ये भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने पिछली इलेक्शंस में 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि 45% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर था। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं।
इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। ये सारे अमाउंट्स इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। बीजेपी लीडर उमा भारती ने एक बार कहा था, इलेक्शंस एक चॉइस है बैड और वर्स के बीच में, जो कि बात सही है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई समाज सेवी जिसने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों की सेवा में, वो इलेक्शन लड़ने के लिए 90 लाख कहां से ला पाएगा, अपनी हवा अपनी लहर कैसे चला पाएगा, स्पेशली जब दूसरी तरफ पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए हों। प्रॉब्लम यह सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है, अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूँ, लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। ऐसी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने का काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, लेकिन सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाचें तो इन आरोपों को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? अब ये सोचो इन एमएलएस के घर पर क्या कहानी चलती होगी, जो नेता इन एमएलएस को खरीद कर घर आया है अपने बीवी बच्चों को क्या कहता होगा, अरे कहाँ हो जी, जल्दी आओ, बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूँ, जनता की आवाज़ को दबा कर आया हूँ, लोकतंत्र का गला घोट कर आया हूँ, लाओ जी लाओ मिठाई लाओ। और दूसरा एमएलए जो बिक गया है कुछ करोड़ पैसों के लिए, वो अपने घर में जाकर क्या कहता होगा, ये देखो मेरे बच्चों कितना सारा पैसा लाया हूँ, भारत माता के दामन पर आज हॉर्स ट्रेडिंग का दाग लगा कर आया हूँ, लो मिठाई खाओ। ऐसे नेताओं पर काफी गुस्सा आता है लेकिन साथ ही दया भी, कि ये कितने मिजरेबल हैं, कितने नीचे गिरे हुए हैं। अच्छा, पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है, इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3,000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है ईडी केसेस में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं, और 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। ईडी ने जवाब में कहा कि हमारा कन्विक्शन रेट बड़ा हाई है, 96% का कन्विक्शन रेट है, क्योंकि 25 केसेस के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और 24 केसेस में कन्विक्शन देखने को मिला। लेकिन सच्चाई पता है क्या है, 2005 से लेकर आज तक टोटल में 5,900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं ईडी ने, ट्रायल सिर्फ 25 केसेस में हुआ, कन्विक्शन सिर्फ 24 केसेस में, यानी कि सिर्फ 0.5% केसेस काम के निकले। जब भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। किसी ने इसके ऊपर एक पोयम भी लिखी थी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे पहले, उन पर आरोप लगा था शारदा चिट फंड स्कैम का। सीबीआई ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नवंबर 2014 में, और 2015 में जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है 7 और एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर करप्शन के। एक आरोप है कि एक लैंड का स्कैम हुआ है, एक आरोप है कि वो सिल्क और मुगा इंडस्ट्री का सिंडिकेट चला रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही इनके ऊपर। वैसे पॉलिटिशियंस की लिस्ट बहुत लंबी है जो जो बीजेपी वॉशिंग मशीन के अंदर घुसे हैं, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येडुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार, इनमें से कई नेताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये देखो कितना भ्रष्टाचारी है, एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, इन्हें वोट मत देना कभी। लेकिन इन सभी लीडर्स ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई, सारे करप्शन स्कैम्स इनके भुला दिए गए। बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। लेकिन वो जमाना ही कुछ और था, वो बीजेपी और आज की बीजेपी जो है इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज जब नितिन गडकरी से सवाल किया जाता है मोदी के वॉशिंग पाउडर को लेकर, तो वो भी हंसते हंसते जवाब देते हैं कि बीजेपी का साबुन इको फ्रेंडली साबुन है, चुनाव में जीतना इम्पोर्टेंट होता है और जो जीता वही सिकंदर होता है। बीजेपी वाला जो साबुन है वो सबको साफ कर दे रहा वॉशिंग मशीन, इको फ्रेंडली साबुन है। आप किसकी बात से ज्यादा सहमत हो, आज के नितिन गडकरी जी या पहले के अटल बिहारी वाजपेयी जी, कमेंट्स में लिख के बताना। पैसे का लालच और ईडी के प्रेशर के बाद भी अगर कोई ऑपोजिशन पॉलिटिशियन बीजेपी को ज्वाइन नहीं करता
तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहती है और कई केसेस में उन्हें बिना कॉन्विक्ट ही जेल में डाल दिया जाता है और कई महीनों तक वो जेल में पड़े रहते हैं। आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा ने बताया कि अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभिषेक बैनर्जी, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव ये बीजेपी ज्वाइन कर लेना, ईडी और सीबीआई जितने भी केसेस इनके खिलाफ चला रही है वो सारे बंद हो जाएंगे इमीडिएटली, और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जो जेल में डाल रखा है वो तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। अब कॉन्विक्शन के बाद किसी को सजा काटने के लिए जेल में डाला जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कॉन्विक्ट प्रूफ करने से पहले ही ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेजा जा रहा है। सबसे खराब बात तो ये है कि जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा कहा, बार बार वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर ये ब्लेम गया। तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कहा, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा, केरला की सरकार ने ऐसा कहा। पिछले साल केरला की सरकार ने तो ये तक आरोप लगाया था कि जो हम बिल पास करते हैं हमारे गवर्नर उस पर दो दो साल तक बैठे रहते हैं, उन बिल्स को अप्रूव ही नहीं होने देते। इस बात को लेकर केरला स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन भी करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स इस तरीके से बिल्स पर बैठ नहीं सकते, ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिल्ली में एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार के बीच में जो इशू चला है उसके बारे में तो आप कई साल से सुनते आ रहे होंगे। सीएम केजरीवाल ने बार बार कहा है पिछले कई सालों में कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी हमारे काम के बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। इस बात को लेकर दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन भी सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कहा था कि एलजी को इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, असली पावर चुनी गई सरकार के हाथ में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो एक नया कानून ले आए दिल्ली सरकार की पावर्स को छीनने के लिए, GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारी पावर्स जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया एलजी के पास। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया, इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उनका उन दवाइयां बंद करा दी, इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए, इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की, इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए, अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो, दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? जरा खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, आप अगर आप एक मोदी फैन हो तो एक सेकंड के लिए उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो और सच्चे दिल से अपने आप से पूछकर देखो, अगर प्रधानमंत्री मोदी को सही में देश की चिंता होती, देशवासियों की चिंता होती, तो क्या वो ऐसी हरकतें करते? अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार पक्का मुझे किसी ऑपोजिशन पार्टी ने फंड किया होगा इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे फंड नहीं किया। मैं जो आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं वो असलियत है देश की। अगर आपको सही में देश की चिंता है तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए इन चीजों को देखकर। न्यूज लॉन्ड्री की 2 दिन पहले की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ बाकी पार्टीज के खिलाफ नहीं किया जा रहा है बल्कि देश में कंपनीज के खिलाफ भी किया जा रहा है। कम से कम 23 ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक बीजेपी को कोई पैसा नहीं डोनेट किया था, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है और एक पैटर्न देखने को मिलता है। रेड के बाद वो कंपनीज करोड़ों रुपए डोनेट करती है बीजेपी को। टोटल में 335 करोड़ रुपए इन कंपनीज ने बीजेपी को डोनेट किए जिन पर आईटी या ईडी की रेड पड़ी थी। तो क्या यहां पर इन कंपनीज को धमकाकर उनसे पैसा भी स्टार्ट किया जा रहा है? क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहां मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती है। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सोल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर वन। ऑपोजिशन पार्टीज चाहे पूरी पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल ले या अपनी प्रोमिसेस जनता के सामने करे। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्सपर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्सपर्सन बने बैठे हैं।
जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी जिसमें ढेर सारी इररेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। आयुष्मान भारत स्कीम में 9,00,000 से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए 3,400 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट पर जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया गया था। जब सीएजी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई तो सीएजी के ऑफिसर्स का उठाकर ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। क्या आपने खबर टीवी चैनल्स पर सुनी? नहीं सुनी होगी, कैसे पहुंचेगी आप? अच्छा, दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की रहती है कि लोग डेमोक्रेसी को मेजोरिटेरियनिज्म से कंफ्यूज कर देते हैं। इमेजिन करो आप एक गाड़ी में बैठकर जा रहे हो 5 लोगों के साथ। एक बंदा उस गाड़ी में बैठा कहता है कि मुझे बहुत तेज म्यूजिक सुनना है, लाउड म्यूजिक चलाओ। वो अपने दोस्त और ड्राइवर को कन्विंस कर लेता है कि हाँ भाई लाउड म्यूजिक बजना चाहिए गाड़ी में। लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हो अपने पिता के साथ जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, आप कहते हो कि नहीं लाउड म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। वो बंदा कहता है ठीक है डेमोक्रेसी है चलो वोट करते हैं। और 3 लोग वोट करते हैं कि लाउड म्यूजिक बजना चाहिए, आप और आपके पापा 2 लोग कहते हो कि नहीं बजना चाहिए। मेजोरिटी ने वोट किया कि लाउड म्यूजिक बजना चाहिए, डेमोक्रेसी है इसका मतलब गाड़ी में तेज तेज लाउड म्यूजिक बजेगा। क्या ये सही मायनों में डेमोक्रेसी है? नहीं, ये स्टुपिडिटी है। इसका एक रियल लाइफ में छोटे स्केल पर एग्जांपल दूं तो एक गुड़गांव की सोसाइटी से इस सर्कुलर को देखिए। डियर रेजिडेंट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 2-व्हीलर नॉट परमिटेड इनसाइड आवर सोसाइटी एज पर डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब सोसाइटी के अंदर सिर्फ गाड़ियां जाएंगी लेकिन स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स नहीं जा सकती। खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन देखो भाई। जो मैनेजमेंट है RWA वाले हैं, उन्हें लोगों ने ही तो इलेक्ट किया है, तो आपको अगर ये रूल पसंद नहीं आ रहा आप चुप बैठे रहो, क्योंकि मेजोरिटी लोगों का यहाँ पर कंसेंट है, उन्होंने ही RWA वालों को इलेक्ट किया है। जो लोग डेमोक्रेसी और मेजोरिटेरियनिज्म को कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे से, उनकी यही सोच होगी। ये सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, ढेरों सोसाइटीज हैं ऐसी देश भर में जहां पर एक से बढ़कर एक स्टूपिड रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। 2019 के इस आर्टिकल को देखिए। एक बैंक एम्प्लॉय कह रही है कि उनकी बहन को कोई अपार्टमेंट रेंट पर ही नहीं मिला क्योंकि बहुत सी RWAs ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बहन एयर हॉस्टेस थी। कुछ सोसाइटीज कहती हैं कि हम एयर हॉस्टेस को अपार्टमेंट रेंट पर नहीं दे सकते अपनी सोसाइटी में क्योंकि उनके ऑड टाइमिंग्स होते हैं। अक्सर ये RWAs जो चाहें वो उठपटांग रूल बना देते हैं। जैसे नोएडा की कुछ सोसाइटीज में एंट्री और एग्जिट फीस लगाई गई है कि आप हमारी सोसाइटी में एक अपार्टमेंट रेंट करना चाहते हो तो उसकी एक एंट्री फीस देनी पड़ेगी और जो रेंट आप लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो वो तो वैसे ही पे करोगे, लेकिन और जब छोड़कर जाओगे हमारी सोसाइटी अब एक एग्जिट फीस भी है। देश में लोकल लेवल पर जो मेजोरिटेरियनिज्म देखने को मिलता है ये RWAs उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वैसे यहाँ डेमोक्रेसी और मेजोरिटेरियनिज्म की बात करते हुए एक ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा Kuku FM पर, फैशिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये जॉर्ज ऑरवेल की बुक अडेप्शन है जो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में हिंदी में समझाती है कि डिक्टेटरशिप्स क्या होती है। Kuku FM को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ढेर सारी ऑडियो बुक सुनने को मिलेंगी अलग अलग टॉपिक्स पर, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो या फिक्शन हो। आपने अगर अभी तक डाउनलोड करके नहीं देखा है जरूर ट्राई करके देखिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी लिंक में एक स्पेशल 50% ऑफ का कूपन कोड भी मिलेगा। या इनका धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। कुछ लोगों की यही सोच रहती है पॉलिटिशियंस और सरकारों को लेकर भी कि एक बारी हमने पॉलिटिशियंस को इलेक्ट कर दिया, वो पावर में आ गए तो वो जो चाहें वो रूल बना सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पर 4 शब्द बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। ये 4 शब्द डेमोक्रेसी के कॉर्नर स्टोन्स हैं। इनफैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर तो एक स्टेप और आगे चले गए थे, उन्होंने कहा था कि ये 4 शब्द जिंदगी की प्रिंसिपल्स हैं। तो मेजॉरिटी वोट का मतलब ये नहीं कि आप किसी के नेचुरल राइट्स छीन सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो और नॉनसेंस रूल्स बना सकते हो। यही रीजन है कि सरकार के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों को हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट की भाषा में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने ये आर्बिट्ररी रूल बनाया था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और जनता के खिलाफ थी, इसकी बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा लेट फैसला लिया, लेकिन कम से कम सही फैसला लिया यहाँ पर डेमोक्रेसी और जनता के फेवर में। लेकिन सरकार को अकाउंटेबल ठहराने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, एक असली डेमोक्रेसी में ये काम ऑपोजिशन का भी है, मीडिया का भी है, सिविल सोसाइटी का भी है और जनता का भी है। और इसी रीजन से RTI जैसे मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिससे कि हमें डेटा मिल पाए सरकार के बारे में। सेम रीजन की वजह से मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है कि वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराएगा। लेकिन आज के दिन की हालत क्या है, टिल डेट प्रधानमंत्री मोदी ने 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है जहां पर अनस्क्रिप्टेड सवाल उनसे पूछे गए हों। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल 0 है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, एक अनस्क्रिप्टेड सवाल तक सुनने की हिम्मत नहीं है उनमें। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने कम से कम 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी या प्रेस को एड्रेस किया था। हमारे देश में जब आखिरी बारी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस दिन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट मौजूद थे। एक सच्ची डेमोक्रेसी में यही अकाउंटेबिलिटी रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाता है। अगर हमारे देश के द्वारा चुने गए मैनेजर्स RTI के सामने अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, मीडिया के सामने अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते, तो जनता के सामने तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। इसका एक पॉजिटिव एग्जाम्पल हाल ही में यूपी में देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा ही अजीबो गरीब अनडेमोक्रेटिक रूल बनाया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस हैं कि वो लड़कियों के लिए क्लासेस रात के 8 बजे के बाद ना कंडक्ट करें, अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और सरकार ने अपनी तरफ से क्या जस्टिफिकेशन दिया, ये लड़कियों की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या इस बात में कोई सेंस है, लड़कियों को जिनसे खतरा है उनको कंट्रोल करने की बजाय आप लड़कियों को पिंजरों में डाल रहे हो। बहुत सी सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि माला भंडारी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया इन रूल्स के खिलाफ, और प्रोटेस्ट के बाद यूपी गवर्नमेंट ने इस बैन को वापस भी ले लिया। ये छोटा सा इंसिडेंट दिखाता है कि जनता की क्या ताकत है एक डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर लोगों से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो, हाल ही में जब किसान दोबारा से उतरे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए तो सरकार ने नोकीली कीलों के साथ उनका स्वागत किया। कुछ जगहों पर सड़कों की खुदाई कर दी गई सड़कों को कम्प्लीटली ब्लॉक करने के लिए। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, मानो ये कोई वॉर जोन हो। जो फोटोज थी बॉर्डर की क्रॉसिंग की, ऐसा लग रहा था कि देश का ये बॉर्डर हो चाइना के साथ। वहां भी इस तरीके से इंतजाम नहीं किए होते। और खबरों में अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम से कम 3 किसान अंधे हो गए पुलिस के द्वारा चलाई गई इन रबर बुलेट्स की वजह से। इस प्रोटेस्ट के पीछे क्या कारण है, किसानों की क्या मांगे हैं, इसकी बात एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट यहां पर यह है कि एक पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले आम इंसान को सरकार इस तरीके से ट्रीट करे, क्या ये सही है? इससे पहले रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ, वहां भी वही बर्ताव देखा गया पुलिस का। पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में भी यही देखा गया, कितने ही किसानों की जाने गई उस प्रोटेस्ट के दौरान। 2021 के इस आर्टिकल के अनुसार कम से कम 600 किसान मारे गए थे उन पिछले फार्मर्स प्रोटेस्ट में। और ये तो वो प्रोटेस्ट है जिनकी बात आपको खबरों में थोड़ी सुनने को मिल जाती है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा बड़े हो गए हैं प्रोटेस्ट। इसके अलावा जो ज्यादातर प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं पिछले सालों में, उनकी तो कभी खबरों में बात तक ही नहीं करी गई। क्या आप जानते थे 240 दिन से ज्यादा लंबे चले कश्मीरी पंडित के प्रोटेस्ट के बारे में, या सरकारी एम्प्लॉयज जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या 400 दिन लंबा चल रहा प्रोटेस्ट हिसार में दूरदर्शन केंद्र के क्लोजिंग के खिलाफ, या पिछले साल हुआ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट, या अनएम्प्लॉयड यूथ का प्रोटेस्ट। ये मत समझना कि आपका यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि आप इन प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले रहे, क्योंकि कल को अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय होता है, सरकार कोई भी ऐसा फैसला ले लेती है जो आपके खिलाफ जाता हो, और आप अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, तो क्या लगता है आपको, आपको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे इन किसानों को आज ट्रीट किया जा रहा है? आप कोई स्पेशल हो क्या? अगर सरकार सभी प्रोटेस्टर्स को इसी तरीके से ट्रीट कर रही है तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। अब ये सवाल जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है क्या? आपका जवाब इसको लेकर कुछ भी हो, लेकिन एक चीज तो पक्की है, अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में। जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराई जाएंगी, लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।